हाउ कैन वी अचीव फ्रीडम, क्या नाम है? अब्दुल, जो चीज ना हो उसे अचीव किया जाता है। एक मोबाइल फ़ोन नहीं है तुम्हारे पास, एक सेब नहीं है तुम्हारे पास, एक शर्ट नहीं है तुम्हारे पास, तुम बाज़ार जाओगे, अचीव करने की कोशिश करोगे, फ़ोन खरीदना है, सेब खरीदना है या शर्ट खरीदनी है। जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की है आज के सेशन के, ट्रुथ, जॉय, इंटेलिजेंस, फ्रीडम, लव, ये अचीव करने की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इन्हें कोई बाहर वाला तुम्हें कभी दे नहीं सकता। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लो, पकड़ लो, ये अचीव करने से नहीं मिलेंगी। ट्रुथ, लव, जॉय, फ्रीडम, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, ये अचीवमेंट की बातें बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि ये तुम्हारा मूल स्वभाव है। इन्हें तुम बाहर कहाँ पाने जाओगे? किस दुकान में ट्रुथ खरीदोगे? किस किताब से तुम्हें सत्य मिल जाना है? किस गली में जाओगे कि आज यहाँ लव मिलके रहेगा? वो शायरों को मिलता है कि तेरी गली में लव। कहाँ जाओगे, किस लाइब्रेरी में बैठ के अवेयरनेस मिल जाएगी तुमको? ये बातें पाई नहीं जाती, ये हमारे पास होती ही हैं। ये कहना भी हमारे पास होती हैं ये कहना भी ठीक नहीं है, ये हम ही हैं। तुम्हारे पास फ्रीडम है, बस तुमने मानना छोड़ दिया है कि तुम फ्री हो। तुमने बस मान लिया था कि तुम गुलाम हो, वो मानना छोड़ दो। अपने आप से पूछो, जिन भी मौक़ों पर तुम गुलामी की वकालत करते हो, अपने आप से पूछो उन मौक़ों पर। जैसे कि आज सुबह के बैच में था, और सर इंजीनियरिंग तो करनी ही करनी है ना, मैं चाहूँ तो भी नहीं छोड़ सकता। तुम भी बीटेक कोर्स में ही हो ना, सर इंजीनियरिंग तो करनी ही करनी है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दो, तुम्हारा भरोसा नहीं, कुछ का कुछ समझ लो। मैंने कहा क्यों करनी ही करनी है? तो सर करनी ही करनी है ना। मैंने कहा क्यों करनी ही करनी है? तब अचानक कोई स्विच दबा, तब उसे समझ में आया कि और कुछ नहीं है, कोई डर है। पहले वो इस बात को ऐसे माने बैठा था कि जैसे पेड़ पे फूल निकलते ही निकलते हैं, हवा है तो चलनी ही चलनी है, अभी नहीं तो थोड़ी देर में, सूरज है उगना ही उगना है। ठीक उसी तरीके से मुझे इंजीनियरिंग करनी ही करनी है। मैंने पूछा ध्यान से कि बता क्यों, तब उसे बात समझ में आई कि इसका कोई प्राकृतिक वास्तविक कारण नहीं है, कोई प्रभाव है मेरे ऊपर, कोई दबाव है मेरे ऊपर, कोई डर है। फिर शांत हो गया बिल्कुल, भीतर देखने लगा कि बात क्या है। जिन भी मौक़ों पर दिखाई दे कि मैं तो गुलाम हूँ ही हूँ, पूछो अपने आप से क्या सही में गुलाम हूँ या ये गुलामी बस मैंने पकड़ रखी है। जैसे कि मैं कहूँ ये माइक छूट नहीं रहा, कोई आके छुड़ाओ इसको प्लीज़, खुआओ ना प्लीज़, ये माइक छूट नहीं रहा है, ये माइक चिपक गया है मेरे हाथ से, और कर क्या रखा है मैंने, कर क्या रखा है। और पूरी दुनिया में मैं दुहाई दे रहा हूँ कि जो माइक है ये बड़ा अत्याचारी माइक है, ये मुझे पकड़ के बैठ गया है और मेरा बड़ा शोषण कर रहा है। माइक मुझे पकड़ के बैठ गया है या मैं माइक को पकड़ के बैठा हुआ हूँ? गुलामी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है या तुम गुलामी से चिपके हुए हो? अब्दुल, छोड़ना चाहो आज छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने मन से बातचीत करनी होगी कि भाई ये तूने जितनी सारी ये कल्पनाएं सजा रखी हैं ये क्या हैं। उसके लिए बड़ी ईमानदारी चाहिए। जो भी ईमानदारी से अपने आप से पूछेगा कि मैं ये दिन रात एक धर्रे में चला जा रहा हूँ, ये मैं कर क्या रहा हूँ, और क्या वास्तव में मैं इतना मजबूर हूँ कि ये करता ही रहूँ, उसको जवाब मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। सच तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है, जवाब दे देगा तुमको। पर अगर तुमने तय ही कर लिया कि जिंदगी ढोंग में बितानी है, अभी इतनी छोटी सी उम्र है, कोई 20 का होगा कोई 22 का, इतनी सी उम्र में अगर तुमने तय कर लिया कि मुझे तो झूठी जिंदगी ही जीनी है,
मैं तो यही दिखाऊंगा कि मैं परिस्थितियों का मारा हुआ हूं। अरे अरे अरे, ये अत्याचारी माइक के चिपक गया है, छोड़ नहीं रहा, हट माइक, छोड़ मुझे। और पूरी दुनिया में जाकर के मैं सहानुभूति बटोरूंगा कि बाहर से गुलामी मेरे ऊपर थोपी गई है। अगर किसी ने ये ढोंग करने की ठान ही ली तो वो कभी नहीं फ्री हो पाएगा। फ्रीडम की कोई टेक्निक नहीं है अब्दुल। फ्रीडम का अर्थ है बस ये याद रखना कि जितनी गुलामी है नकली है और मैंने ही अपने ऊपर डाली है। मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे गुलाम बना नहीं सकता। मेरी सहमति के बिना, मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे गुलाम बना नहीं सकता, क्योंकि असली गुलामी है मन की। कोई मेरे हाथ पांव बांध सकता है, ठीक, पर मैं गुलाम तभी हुआ जब मेरा मन कोई बांध ले, और मेरा मन सिर्फ मैंने बांधा है, कोई और नहीं बांध सकता। जो मन से मुक्त है उसको तुम जेल में डाल दो तब भी मुक्त रहेगा। तुम उसके हाथ पांव ही तो बांध लोगे ना, उसका मन नहीं बांध पाओगे। उसकी आंखें बंद कर लोगे यहां से, वो तब भी मुक्त रहेगा। हमारी जितनी गुलामी है वो मानसिक है, और ये मानसिक गुलामी खुद हमने पकड़ रखी है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तुम में से बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को मान पा रहे होंगे। तुम कहोगे सर वास्तविकता है, देखो ना मेरी ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, इसमें तो मुझे गुलाम रहना ही पड़ता है। और मैं तुमसे कहूँगा ठीक है, फिर से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या आवश्यक है कि तुम गुलाम रहो? और अगर ईमानदारी से देखोगे तो दिख जाएगा। मुक्ति असली है और हर प्रकार की गुलामी सिर्फ मन की एक कल्पना। अगली बार अब्दुल, जब भी मन बहुत बैठने लगे, डरने लगे, उस पर चारों तरफ से जकड़न आ जाए, तो एक बात बोलना अपने आप से, दिस इज माइंड, दिस इज माइंड, मन है, अनरियल है। क्या बोलोगे? अनरियल है, मन है, असली नहीं है, नकली है, सिर्फ मन है, सिर्फ मन है। जब भी डरो, और बिल्कुल डरो, धड़धड़ होने लगे यहां पर, तो उसके सामने घुटने मत टेक देना, कहना मन है, माइंड ही तो है, असलियत क्या है इसमें, माइंड है बस। इससे ये याद रखने मदद मिलेगी कि मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है और गुलामी सिर्फ मन की कल्पना। ठीक है।